श्रीकाल जी, मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं हुशियारपुर तो बोल रहा जी। मैनू 2014 पैराग्लाइडिंग होया सी, मैं अबू धाबी सीगा जी। उस तो बाद क्लाउड मेरे सिर 'च पूरा आ गया जी, उत्थे मेरा 1.5 महीना मैं कोमा रहा जी। उस तो बाद मशीन मेरा पूरा ब्रेन वाश की, उत्थे गलती साफ किया क्लाउड। उस तो बाद मैंने इंडिया भेजता जी। इंडिया भेजने तो बाद घरदियां ने जो भी इतने मालिश थी या होर कोई दवाइयां खिलाईयां, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं 1.5 महीना मालिश कराने तो बाद 3 महीने फिर मैं लाजवंती स्टेडियम जाना पे जी, साढ़े घर के नेड़े है। उत्थे मैंने सतपाल वर्मा जी मिले, उन्होंने मैंने दस्या भी की गल, मैं मैंने इदा करके पैरालाइज अटैक होया सी। वो कहंदे तुसीं इदा करो भी तुसीं नोगा विच जाओ, सिटी सेंटर के अंदर खुलिया होया तो उत्थे जाओ। उन्होंने कहने तो बाद मैं फिर इतने आया। जो मैं पहले दिन की थेरेपी ली, तो जो मैं घर गया तो मैंने रात को नींद बहुत आई, जेडी गल कि मैंने 1.5 महीने नींद नहीं आ रही, मैं नींद आई। उस तो बाद मैं लगातार ही इतने आना शुरू कर दिता जी, नाम ही दिल करते हुए फिर ही मैं इतने आता रहा जी। फिर घरद ने मालिश वाला बंदा घर रखिया जी, मालिश भी नाल कराई गया, नाल इतने भी आई गया। खैर उन्हें मैनू 1.5-2 महीने बाद तुरन लाता जी। उस तो बाद मैं लाजवंती स्टेडियम जाना पाया जी। जो मैं अपने सामने इदा चंगे बंदे तुरे जाते दौड़ दौड़ते बच्चे देखने, तो मेरे दिल च बड़ा होना भी मैं भी कभी इदा तुर सकेंगा। उस तो बाद जी मैं बिल्कुल गलत ठीक गलत हौली हौली शुरू हो गया, लेकिन मेरे दिल से सीगा भी मैं ठीक नहीं होना जी। लेकिन नोगा वैदी थेरेपी ने मैनू इस काबल बनाता जी, मैं गलत हम अपने आप तुर फिर सकता जी, सब कुछ ठीक है। तो उस तो बाद फिर मैं अपने घर बैड लै गया, मैट लै गया, बैड लै गया, मैं अपने घर लै गया हुआ। तो वो भी थेरेपी लेना, इतनी भी थेरेपी ली। तो जो भी गल कि मेरे दिल होर अंदर बीमारियां थी सारिया नोगा वैली थेरेपी ने बाहर निकलियां, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर जो भी था। शुगर का लैवल कितना सी तुहाडा? शुगर का लैवल मेरा जी 200 to 250, 250 to 280 तक गया जी। तो गल कि नोगा वैली थेरेपी लैन ना गल कि बिल्कुल नॉर्मल आ गया जी। वह तो होर भी मैंने कब्ज बहुत रही थी नोगा वैसे पानी पीने के नाल गल कि मेरी कब्ज गल कि 5-6 साल तो मैं दवाई खाता सीट गोली खानी तो सवेर में लैटरिंग आनी। हूँ मैं कभी कोई गोली नहीं खाधी जी, लोग मेरी थेरेपी ने पानी ने इन्ना अर्क पिया जी। मेरी खब्बी अख जी इस साइड की अख मेरी पूरी बंद हो गई थी, गल कि इदा खोलती नहीं सी पूरी। तो वह भी थेरेपी लैन गल कि फाइबॉल लाने बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं तो होर भी जो भी बीमारियां थी मेरिया सारिया ठीक हुई। उस तो बाद मैं गल कि नोगा बैठी फीस हैगी है, फीस गल की कोई ना कोई मैंबर मैं घट्टो घट्ट हूँ तक 30-40 मैंबर नाल जोड़े जी। इतने पहले तो अपनी फैमिली नाल जोड़ी जी, सब तो पहले तो वही बड़ी फीस आई। मैं ठीक होया उस तो बाद मैं अपनी फैमिली जोड़ी है, फिर आंढी गुआढ़ी जो भी साढ़े सानू किसी ने दस्या ही किसी ने दस्या वो इतने आए, वो ठीक हो के गए जी। तो खून सड़दा वा वधिया बनदा वा? नहीं जी, ये तो लोग अफवाह उड़ाते खून सड़दा, खून खान कोई नहीं सड़ते, जो गंदा खून खोंदा जी ओही सड़दा नवा खून। मैं हूँ 2 महीने बाद चैक कराया, पहले मेरा 9 ग्राम खून रह गया, 7-8 ग्राम रह गया। मैं पिछले 2 महीने बाद चैक कराया, मेरा 12 ग्राम खून से जी। कोई खून खान नहीं सड़ता, लोग बहुत कहते हैं ये होंगे वो होंगे, कुछ नहीं होंगे जी। मैं यही हाँ जी ठीक होंगे जी, बिल्कुल ठीक होंगे। और हम कि छड़ के जाना? नहीं जी, अगे मैं 1/2 किलोमीटर चला था, मैंने सह चढ़ जाना, मेरा बुरा हाल होना, मैं तुर के नहीं आता। हूँ मैं घरों इतों कल की कोई 4 किलोमीटर मेरा घर है, मैं तुर के आना शाम सवेर नूं
तुर के जाना, मैं कोई फर्क नहीं पैंदा जी, मैं बिल्कुल ठीक है जी कोई। हाँ जी, की कहना चाहोगे जी नोगा वैसे बारे? नोगा वैसे में यही कहूँगा जी, तुहानू कोई भी बीमारी हैगी है तुसी इत्थे थेरेपी लाओ, तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे। तो होर भी किसी दसो, तुहाडे आंढी गुआंढी जो भी है उन्होंने दसो नोगा वैसे बारे, इत्थे पूरा इलाज हुंदा ठीक ठाक होना।